एसी यहाँ पे जरूर देते हैं हर कमरे में, क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा पड़ती है यहाँ पे। हाँ दोस्तों, सलाम अलैकुम। आइए, मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ ड्राइवर का रूम कैसा देते हैं सऊदी लोग। ड्राइवर को रूम कैसा देते हैं, ये देखिए मेरा रूम है सऊदी सऊदी में। थोड़ा फैला हुआ है, अभी से बैठना है, फिर आप लोगों को दिखा देता हूँ, आप लोग देख लें, ताकि जो गल्फ में आने वाले रहें तो पहले तैयारी कर लें। ये इधर धूप ना आने के लिए पर्दा दिया है। इधर अलमारी दिया है और ये फ्रिज दिए। फ्रिज में सब सामान वामान है। ये दिया है नाश्ता के लिए, इस पे कुछ अंडा अंडा बना ले नाश्ता तक करने के लिए। खाना तो घर ही से दे रहा है। एसी है, एसी यहाँ पे जरूर देते हैं हर कमरे में, क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा पड़ती है यहाँ पे। 45-46 टेम्परेचर रहता है। इधर अटैच हमाम दिया है, अटैच बाथरूम नहाने के लिए। ये बेसिन है अपना धुलने उलने के लिए। ये वॉशिंग मशीन है कपड़े धुलने के लिए देते हैं। बहुत अच्छा सब रूम वूम वीआईपी रहता है। इंडिया से बहुत बेहतर रहता है, हर चीज अच्छी क्वालिटी की लगाते हैं। टोटी वोटी सब बहुत अच्छी क्वालिटी की लगी रहती है। लाइट है, अलमारी दिया है, प्रेस दिया है प्रेस करने के लिए। यानी हर चीज बहुत अच्छी दिया है। आराम आराम से रहने वहने के लिए घर वालों को बहुत अच्छा देते हैं। अब आदमी कैसा हो ये तो किस्मत रहती है। ये बाहर का नजारा है, बाहर ये इसका घर है, अटैच घर रहता है। ये बाजू में ये शटर है, शटर खोलेंगे इसमें गाड़ी उसकी रहती है, पर्सनल मेरी गाड़ी यहाँ पे है। और ये घर का दरवाजा है, घर का दरवाजा है अपना। इसी से आते हैं, फोन करेंगे कि यहाँ पे चलना है। ऐसे ही सामने वाले का भी ड्राइवर का घर है, उधर भी ड्राइवर का रूम बनाए हैं। ये कंपनी के सब वीआईपी एरिया है, यहाँ पे सब घर ये कैसे हैं। और हर जगह अलग अलग घर रहते हैं, अलग अलग कलर के। यहाँ पे तो इस एरिया में ये जुबेल का एरिया है, यहाँ पे पेड़ वेड़ बहुत होते रहे हैं, सब नीम के पेड़ हैं, आम के भी पेड़ लगे हुए हैं। तो ऐसे ही रहता है, बस अकेले रहना रहता है, अकेले रहेंगे अपना सोए रहेंगे, अकेले करना रहता है। और कोई ड्राइवर मिल गया तो साथ में ठीक है, वरना अकेले ही रहना पड़ता है अपना, अकेले बैठे रहो, जब बुलाएंगे तब जाना पड़ेगा। इधर अपना दिन भर इसी में सो, एसी चला के। ये दूसरे का घर है बाजू वाले का, बहुत अच्छे आदमी है इधर सब। सऊदी पढ़े लिखे हैं, बहुत अच्छे आदमी सब है, बहुत कायदे से बोलना। और ये इधर कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है, इधर सब नए नए घर बन रहे हैं और सब मस्जिद भी नई बनी है। ये पूरा एरिया